भाइयों, मैं मिसिज चौहान हीरो ऑर्गेनिक के यूट्यूब चैनल किसान भगवान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज यहाँ आप सभी किसान भाइयों के कहने पर एक ये झिंझाना का बाग है, ये आरडी मित्तल डॉक्टर साहब है जो सहारनपुर में रहते हैं। वे पहले यहीं पे झिंझाने में रहते थे, अब वे सहारनपुर में रहते हैं। उनका ये बाग है और इस बाग में आई हूँ। यहाँ पर राजीव जी ने अमरूद के बाग पेड़ लगवाए थे। मैं आज आप सभी को ये दिखाऊंगी कि जो हमारा पेड़ था वो कैसा चल रहा है। ये पेड़ करीब 3 साल के हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि 3 साल के पेड़ पर कितना अभी फ्रूट आया हुआ है। और जो यहाँ के ये भाई रहते हैं, देख रेख करते हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने इसमें से एक फल ले भी लिया है। ये देखियो किसान भाइयों कैसे गुच्छों में फ्रूट आया हुआ है, आप देख सकते हो। इधर भी दिखाइए, पूरा पेड़ दिखाइए कैसा, इधर सारा दिखाइए कैसा पेड़ ये लदपद रहा है पूरा का पूरा। और अभी मैं आप सभी को और भी सारे पेड़ दिखाऊंगी। हम यहाँ पर बाग में खड़े हैं, काफी बड़ा बाग है ये। ये देखिए, मैंने अभी यहाँ से एक ये अमरूद भी तोड़ा है। मैं अभी इसको, हमारे पास चाकू तो है नहीं, पर अभी ऐसे बीच में से तोड़ के दिखाऊंगी इसके जो बीज अंदर का है। ये देखिए, इन्होंने हमें अभी बताया कि इसके अंदर हमने इतनी अमरूद बेच दिए हैं पर किसी भी अमरूद में कीड़ा नहीं निकलता है। अभी इधर भी दिखाइए, आइए ये देखिए किसान भाइयों, ये दूसरा पेड़ है। ये ऊपर तक सारा दिखाइए जरा, ये 3 साल के पेड़ हो गए हैं। और देखिए इसमें से एक फ्रूटिंग ले ली गई है। अभी कुछ छोटे अमरूद है, कुछ बड़े है, स्टार्टिंग हो गई है। कैसे ये पूरा पेड़ लदे हुए है। इधर भी ये देखिए भाइयों, एक ही पेड़ है, इस पे देखिए इधर पक भी रहे हैं, इधर छोटे भी बने हुए हैं। इधर दिखाइए, ये हमारे यहीं की वैरायटी है। और ये कैसी पूरी की पूरी, ये देखिए भाइयों, ये कैसे अमरूद पूरे के पूरे, इधर भी दिखाइए पके हुए भी है। और ये आप ये देख सकते हो कैसे ये इधर से पक रहा है। ये देखिए इधर एक अमरूद पका हुआ है और ये गिर भी गया और एक ही छोटा सा। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट भी रहती है, चलती भी रहती है और पका हुआ भी रहता है। अतः भाइयों, मैं आज इसीलिए इस बाग में आई हूँ। और अभी मैं एक बाग में और जाऊंगी, वो हमारे जो नींबू लगाए हुए हैं वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि आप ये तो दिखाते हो कि आपके पेड़ कहाँ जा रहे हैं, पर ये नहीं दिखाते कि आपके जो बाग लगे हुए हैं वे कैसे चल रहे हैं। ये देखिए कैसे गुच्छों में, ये देखिए आप कैसे गुच्छों में इसका ये जो है फल बना हुआ है। ये गुच्छों में आते हैं, अगर हम इसको गुच्छों में लेते हैं तो ये छोटे अमरूद होते हैं, और अगर गुच्छों में से हटा के एक एक अमरूद लेते हैं तो ये बड़ा अमरूद हो जाता है। आप सभी किसान भाई हमारे ये अमरूद लगाए हुए बाग देख सकते हो। और खास करके मैं आज एक बंदे का नाम लेना चाहती हूँ जो ये गंदे गंदे कमेंट करता है, लेडीज की रिस्पेक्ट उसको बिल्कुल नहीं आती, विनोद कुमार जी। खास करके ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, जो आप ये ऐसे कमेंट करते हो ना कि बेवकूफ औरत ही ऐसी ऐसी बातें करते हो, इससे मैं डिलीट कर देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, पर हम ऐसे इंसान नहीं है कि हम किसी को गंदी बात कहें। हम अपने काम पे ध्यान रखते हैं, दूसरों के काम पे नहीं रखते। और इससे यही पता चलता है कि आप किसी लेडीज की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। और आगे से आपने कुछ ऐसा एक भी कमेंट किया ना तो आगे आपके ऊपर मैं केस करूँगी, ठीक है। ये मैंने खासकर आप ही के लिए बताया है, ये बात सभी किसान भाई देखेंगे कि कौन क्या बोलता है। ओके विनोद कुमार जी, एक ही बन जाएगा, बिन्नबू का लग बने गिर गया था आपको।